ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे इस जीवन को हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए एक आकर्षक व्यक्तित्व को रखते हुए जो भी कुछ करें उसमें सफलता कैसे प्राप्त हो और एक समृद्ध जीवन कैसे जिए, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। एक व्यक्तित्व को आकर्षक कैसे बनाया जाए, सामान्य रूप से जिसको सुंदरता कहते हैं वो कैसे प्राप्त की जाए, कैसे एक आकर्षक व्यक्तित्व रखते हुए जीवन को जिया जाए, इस पर थोड़ी सी चर्चा की। आज के इस वीडियो में समझते हैं हम जीवन को सफल कैसे बनाया जाए। सफलता, इसलिए सफलता के इस विषय के कई आयाम हो सकते हैं, इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। हम सामान्य रूप से बात करें तो वो ये कि व्यक्ति जीवन में जो कुछ चाहता है उसको प्राप्त करे, किसी कार्य को करना चाहता है उसमें उसको सफलता प्राप्त हो, कोई लक्ष्य बनाता है उसको उसके लक्ष्य प्राप्ति हो, किसी काम में उसको असफलता ना मिले, तो हम कह सकते हैं इसे सफलता प्राप्ति। हम देखते हैं अपने आसपास के जीवन में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं और उस बहुत कुछ उनके जितने भी काम होते हैं वो सभी में सफल रहते हैं। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में असफल हो जाते हैं। कहते भी सुने होंगे आपको, जो भी काम करते हैं उसमें ही असफल हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कोई तो रहस्य होगा। जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं, आखिर उनकी सफलता प्राप्त करने के पीछे रहस्य क्या है, और जो व्यक्ति सफलता प्राप्त न करके असफल हो जाते हैं उसके पीछे चूक क्या है, उनसे कहाँ गलती होती है, यदि ये बात समझ में आ गई तो व्यक्ति असफल होने से बच सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। और निश्चित रूप से सफलता एक ऐसा ताज है जिसे हर व्यक्ति अपने सर पर रखना चाहता है, और किसी भी कार्य का हो असफलता का ताज अपने सर कोई नहीं रखना चाहता। कई बार तो लोग दूसरों के कार्यों की सफलता का ताज भी छल छद्म करके अपने सर पर रखने का प्रयास करते हैं, यह भी हम जीवन में देखते हैं। हम प्रयास करें ये समझने का कि हम जो कुछ करना चाहते हैं या जो भी कुछ हमारा लक्ष्य है उसमें प्राप्ति कैसे, सफलता कैसे प्राप्ति हो। तो लक्ष्य, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो सिद्धांत है जिस पर ध्यान देने की बात है वो है हम पाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, इसका निर्धारण होना, इसी को लक्ष्य का तय करना माना जाता। हमें यही पता नहीं, हमारे मस्तिष्क में यही चित्र क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है, तो होगा कैसे, हम प्राप्त क्या कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कई व्यक्ति प्रयास करते हैं, मैं सीए बनना है, सीए की ट्राई कर रहे हैं, सीए बनने का लक्ष्य बनाया, किसी ने प्रश्न कर लिया, सीए का तो बहुत टफ मामला है, बहुत आसान नहीं है सीए को क्लियर कर पाना। भाई जी, मैं मान लीजिए एक बार अगर आप सीए में सफल ना हो पाए तो क्या करोगे। व्यक्ति कहता कि नहीं कोई खास बात नहीं, कर रहे हैं कोशिश, अगर सीए बन गया तो ठीक, नहीं तो पिताजी का बिजनेस तो है ही, एक पारंपरिक पैतृक व्यवसाय है, वो भी अच्छा जमा हुआ है, वो कर लेंगे। आप तय मान के चलिए ये व्यक्ति अपने पिता के व्यवसाय को ही संभालेगा, ये सीए नहीं बन पाएगा, वो दूसरा ऑप्शन साथ लेके चल रहा, नहीं हुआ तो ये कर लूँगा। लक्ष्य प्राप्ति और लक्ष्य को अर्जुन की तरह, जिस तरह से अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दी उसी तरह से जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आता उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
जीवन में वो जो भी लक्ष्य निर्धारित करेगा उसे प्राप्त करेगा ही करेगा। पहला लक्ष्य का निर्धारित, हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं वो तय करें। उसके बाद फिर हम देखें कि उसको प्राप्त करने के माध्यम क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, प्रयास क्या करने होंगे। वो जानकारी प्राप्त करने के बाद हमारी तरफ से उन प्रयासों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं आपको अभी एक उदाहरण से इस चीज़ को स्पष्ट करूँगा। आप ये मालूम कीजिए कि इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, इस कार्य में सफल होने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे कार्य आपको अपनी पूरी तन्मयता से, पूरी मेहनत और पूरे परिश्रम से करना है। हमारे एंड पर उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा ये सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, उसकी हमारे लिए जीवन में जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो कितना महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। मैंने एक छोटी सी कथा सुनी। सुकरात बहुत जाने माने दार्शनिक हुए, आपने नाम सुना होगा उनका, सब जानते हैं। उनके पास एक युवक पहुंचा, वो जीवन का अपना जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाला था, कुछ काम शुरू करने वाला था। उन्होंने पूछा कि आप बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत मार्गदर्शन देते हैं, मैं जीवन मार्ग में प्रवृत्त होना चाहता हूँ, मुझे कुछ रास्ता बताएं कि मैं जो कुछ करूं उसमें सफलता प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा मंत्र जो मुझे जीवन में सफलता प्रदान करे जिसकी वजह से मुझे फेल ना होना पड़े, असफल ना होना पड़े। सुकरात ने कहा कल आ जाओ तुम्हें, कल को मैं तुमको इस रहस्य की जानकारी दे दूंगा। दूसरे दिन युवक पहुंचा सुकरात के पास। सुकरात उसने कहा चलो ऐसा करते हैं पहले नहा के आ जाते हैं। बातचीत करते करते नदी तक पहुंचे। सुकरात ने कहा कि चलो तुम भी नहा लो, नहाने से तन मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है। सुकरात से काम था, युवक की इच्छा तो नहीं थी नहाने की, स्नान वगैरह करके तो आया ही था, लेकिन मना कैसे करे, काम था। वो कह रहे हैं उनसे प्राप्त जो करना है कुछ, तो जैसा वो कहा सुकरात का साथ करना पड़ा। सुकरात नदी में उतरे और नदी में वो युवक भी साथ नहाने के लिए उतरा। नहाते नहाते युवक की गर्दन पकड़ के सुकरात ने पानी में डुबो दी। अब अंदर छटपटाने लगा। सुकरात शरीर से बहुत बलिष्ठ है, बहुत प्रयास करने के बाद भी युवक अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। जब बहुत बेचैनी देखी, सुकरात ने बाहर निकाला उसको। युवक की तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, बड़ी मुश्किल से छटपटाहट से सांस ली उसने। और उसने कि क्या कर रहे थे आप, क्या मारना चाहते हैं मुझे? सुकरात ने कहा नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, जो तुम पूछना चाहता तुमने, जो तुम जानना चाहते हो कि मुझे सफलता कैसे मिले। एक बात बताओ, अभी जब तुम पानी में थे तब क्या स्थिति थी तुम्हारी, मनस्थिति क्या थी तुम्हारी, क्या चल रहा था मस्तिष्क में, चलना क्या था? सब कुछ चलना बंद हो गया था, केवल एक और एक ही बात मस्तिष्क में चल रही थी, किसी तरह से पानी से बाहर निकल जाऊं, किसी तरह से मुझे सांस आ जाए, किसी तरह से जीवन बच जाए। आई बात समझ में? सांस आना, सांस आएगी तो जीवन बचेगा, और यदि सांस नहीं आई तो जीवन ही नहीं बचेगा। एक ही बात मस्तिष्क में चल रही थी कि किसी भी तरह से सांस आ जाए। सांस बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गई थी, सांस के अतिरिक्त और कहीं कुछ तन मन रोम रोम में कुछ बचा ही नहीं था। एक कामना, एक लक्ष्य कि किसी तरह सांस आ जाए। जीवन का सारा दारोमदार ही सांस के आने पर टिक गया था। ये प्रश्न युवक का और उसका ये एक उदाहरण के साथ प्रैक्टिकली सुकरात ने उस युवक को उत्तर दिया, समझा दिया। अब मैंने आपसे अभी निवेदन किया था कि मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा। ये ज्योतिष आदि जितने विषय हैं इन विषयों के साथ जुड़ा हूं मैं सन 70 में। इससे पहले मेरा इन विषयों से विशेष कुछ रुचि तो रही, लेकिन जिस तरह से एक जुड़ाव 70 में हुआ उससे पहले नहीं था।
1965 में जब मैं 8वीं स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था, मैं तब स्थिति ऐसी हो चुकी थी मेरी, मेरे परिवार की, घर की, कि मुझे लग रहा था कि मैं 10वीं के बाद पढ़ नहीं पाऊँगा। मैट्रिक करने के साथ ही मुझे कुछ न कुछ काम धंधा नौकरी वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति थी नहीं ऐसी कि कुछ व्यवसाय करने की बात, केवल एक आधा वो कोई नौकरी। और किसी माध्यम से मेरा टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन ऑपरेटर का काम देखने में आया और मुझे वो नौकरी पसंद आई, अच्छी लगी। टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करने का सोचा। कैसे प्राप्त होती है ये नौकरी, लगती कैसे? तो मुझे मालूम हुआ, बताया गया कि मैट्रिक की मार्कशीट, उसमें जो परसेंटेज होते हैं उसी बेस पर सिलेक्शन होता है। अगर गुड फर्स्ट डिवीज़न हो तो उसमें अगर आ जाए तो सिलेक्शन होने की संभावनाएं होती, सिलेक्शन हो जाता। लगभग 60% करीब नंबर तो होने चाहिए तो संभावनाएं होती हैं, सिलेक्शन हो जाता। अब वो मेरे मस्तिष्क में बात बैठी। मैंने 70% का लक्ष्य बनाया। अब परिस्थिति ही ऐसी थी, मुझे उसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं थी कि वो मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य हो जाए। वो बात, वो नौकरी का मिलना मेरे लिए जीवन में जीने के लिए आवश्यक हो जाए, सांस के लिए, सांस की तरह से आवश्यक हो जाए, ये सोचने के लिए, ये धारणा बनाने के लिए विशेष कुछ श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी। उन परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया था कि मैं केवल ये सोचूं कि मुझे कुछ भी हो जाए यह नौकरी मुझे प्राप्त करना है और इसके लिए मुझे 70% नंबर लाने हैं, एक लक्ष्य, और ये प्राप्त करने के लिए मैं लगा। और संयोग, ईश्वर की कृपा मान के चलें, कुछ भी कहें, मेरी मेहनत, उनसे 69% नंबर आए। मैंने जीवन में एक ही फॉर्म भरा, एक ही इंटरव्यू दिया, टेलीफोन ऑपरेटर ही बना। तो उस समय में मुझको ऐसा लगा कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, जैसा सोचा मैंने, जो चाहा मैंने वही प्राप्त हो गया। लेकिन जब मैं इन विषयों से जुड़ा और समझा तो एक बात समझ में आई कि ऐसा नहीं है। दरअसल ये प्रकृति का एक सिद्धांत है, एक सूत्र है जो काम कर रहा है और वो सब जगह सबके साथ काम करता है, समझने की आवश्यकता है। और वो ये कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझको विवश हो करके ये सोचना पड़ गया, इस तरह आवश्यक हो गया था कि यदि नौकरी लगी तो जीवन है और यदि नौकरी नहीं लगी तो सब कुछ नष्ट है, जीवन ही नष्ट है। ये धारणा मेरे मन में बैठी, लक्ष्य एक कि कुछ भी हो मुझको 70% के आसपास नंबर लाने ही हैं, यह लक्ष्य जीवन में निर्धारित हुआ। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, यदि ये प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। उन परिस्थितियों ने विवश कर दिया था। यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो परिस्थितियां विवश करें या ना करें, वो अपने उस कार्य को इस तरह से स्वीकार करे कि यदि ये कार्य ना हुआ, यदि मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो फिर जीवन व्यर्थ है, फिर सब कुछ बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं किसी चीज का। ये मेरे लिए उसी तरह आवश्यक है जिस तरह से जीने के लिए सांस लेना आवश्यक होता है। जब आप किसी भी काम में इतनी तन्मयता से, जब उसको मन की इतनी गहराई से स्वीकार करता है, कोई भी व्यक्ति करेगा, वो अलग बात है कि हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, प्रकृति का सहयोग, किस्मत का सहयोग, पंचतत्व का सहयोग, परमेश्वर का सहयोग, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन ये एक सूत्र है जो सबके साथ काम करता है। यदि आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस पर आप क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का काम, आपके हाथ का काम वो पूरा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं मेहनत करके मेरे जो हाथ का काम था 70% करने का, नंबर लाने का लगभग उसके आसपास, वो मैं नहीं लाता तो ईश्वर भी मेरी क्या मदद कर लेता।
और एक कहावत है कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बाद में जो कुछ घटा उसे ईश्वर की ही मदद की जाएगी। बिना ईश्वर की मदद के बाद का काम संभव नहीं था, लेकिन वो ईश्वर की मदद मुझे तब मिली जब मैंने अपने एंड का, मेरे हाथ का, मेरी तरफ का काम मेहनत से पूरा कर लिया। आप कुछ भी प्राप्त करना चाहें निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहला काम उस लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, आपके एंड का, आपके हाथ के काम क्या क्या हैं, उन्हें पूरी सफलता, पूरी मेहनत से आपको अर्जित करना होगा, पूरे प्रयास से। उसमें आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और उसमें आपकी तन्मयता ऐसी होनी चाहिए, आपका जुड़ाव भावनात्मक, आंतरिक, मानसिक, बाहरी रूप से सब तरह से ऐसा होना चाहिए कि यदि जीवन में ये प्राप्त नहीं हुआ, ये नहीं घटा, तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, जीवन बचेगा ही नहीं। जीवित रहना है तो जिस तरह जीवन के लिए सांस आवश्यक है, उसी तरह से मुझे, मेरे लिए इस लक्ष्य की प्राप्ति आवश्यक है। इस तरह से आप निश्चित कीजिए, कोई भी लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आपको उस लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। मैं आप सबके सफल जीवन की कामना करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबको जीवन में सफलता प्रदान करें। इसी के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।